जय हिंद दोस्तों, यह जो रोते बिलखते देख सकते हैं अपने शहीद पति को अंतिम विदाई दे रहे हैं, वो धनबाद का शहीद जवान रविशंकर साहु की पत्नी का वीडियो है। बता दें कि यह जवान हमारे देश की रक्षा करते हुए बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात थे और वहीं पर बिजली की चपेट में आकर वह जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रविशंकर साहु, बता दें कि घायल के दौरान इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ दिए। कल इनका पार्थिव शरीर जैसे ही पैतृक गांव गोविंदपुर पहुंचा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। शहीद जवान का पार्थिव देह देखकर उनकी पत्नी का हालत बेहद ही नाजुक हो गया था। उस तस्वीरें में बताए होंगे कि शहीद जवान की पत्नी अपने शहीद पति को वाहन पर चढ़कर अपने शहीद पति को अंतिम विदाई पूरे जयकारा के साथ दिए, वंदे मातरम के नारा पर के साथ दिए शहीद जवान की पत्नी। यह घटना बेहद ही दुखद है दोस्त। बाकी में जब कोई फौजी हमारे देश के लिए शहीद होता है तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोते हैं, लेकिन उन माँ और उन बहन को क्या बीत रहे होंगे जिनको गर्भ से एक वीर सपूत बेटे हमारे देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। उनके घर में क्या बीत रहे होंगे जो उन्हीं लोग का पता लगता है। एक शहीद बेटे, एक शहीद पति को पार्थिव देह पहुंचता है तो पूरा गमगीन माहौल हो जाता है घर में। बता दें कि शहीद जवान रविशंकर साहु 2012 में BSF में तैनात हुए थे और अभी तक हमारे देश के 3 जगहों पर उन्होंने ड्यूटी दे चुके थे, हमारे देश की सेवा कर चुके थे। लेकिन दुख की बात यह है कि त्रिपुरा में तैनात थे बांग्लादेश के बॉर्डर पर, वहीं पर बिजली की चपेट में आकर उन्हें करंट लग गई। उसी दौरान उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिए, हमारे देश के लिए शहीद हो गए। उनका पार्थिव देह जैसे ही उनके पैतृक जिले धनबाद पहुँचे तो पूरे अंतिम यात्रा के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके घर गोविंदपुर लाया गया, जहां पर गोविंदपुर में हजारों जनसैलाब उमड़े और सभी नम आँखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए। बता दें कि BSF के वाहन पर उनकी पत्नी अपने शहीद पति को पार्थिव देह के नज़दीक में जाकर वहां पर खूब नारा लगाए, शहीद जवान अमर रहे का नारा गूंजे और भारत माता की। हजारों जनसैलाब उमड़े इनके अंतिम यात्रा में जयकारों के साथ वंदे मातरम का नारा के साथ इनका पार्थिव शरीर पैतृक घर ले जाया गया, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर इनका पार्थिव शरीर शमशान घाट ले जाया गया और वहां पर पूरे 3 राउंड फायरिंग के साथ पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद जवान रविशंकर साहु का अंतिम संस्कार किया गया। अगर आप भी इस जवान के लिए ज़रा सा भी रिस्पेक्ट करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। अगर इस चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी भाई लोग इनके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे शहीद जवान रविशंकर साहु के लिए। मैं भगवान से यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि शहीद जवान रविशंकर साहु को आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति दे। फिर से एक कहना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी भाई लोग इनके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।